रहता है वोटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 5 की। इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है और महेंद्र हाड़िया पिछले 20 साल से विधायक हैं। बिल्कुल कोई सुनाई नहीं करता। जिस पार्षद के पास जाता हाँ करवा लेंगे, हाँ कर देंगे, हाँ ऐसे कर देंगे, पर कोई आता ही नहीं है। और ये चैम्बर भी पूरे चौकोर है, पीछे की नाली पूरी बड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी लटे आती है सफेद सफेद। इंसानों को रोजगार नहीं मिल रहा है टाइम पे, क्या करें, परेशान हो रहे हैं। अब फुटपाथ पे इनने ठेले लगा रखे, ठेले भी हटा दिए गए, नगर निगम द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस गली से अंदर जाने में काफी परेशानी है। यहाँ पर गणेश केप मार्ट की पार्किंग, अपना स्वीट्स के वाहनों की पार्किंग, अन्य सारी पार्किंगों के कारण ये रोड पूरा शाम को ब्लॉक हो जाता है करके काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अरे कोई विधायक नहीं आते, जब उनका काम रहता है जब विधायक आते, जिसके बाद में तो कोई विधायक नहीं आते। ये यहाँ पर ड्रेनेज के नाम पे इतनी बड़ी धांधली हुई है, छोटे छोटे चैम्बर बना दिए गए, हर 4 दिन के अंदर चैम्बर चोक हो जाते हैं यहाँ पर, उसमें से गंदा पानी आ जाता है। जो भी प्लास्टिक की लाइन डाली गई है नर्मदा की, उसमें भी आए दिन गंदा पानी आता था। शुरू के अंदर जो 15 मिनट पानी आता है वो पूरा गंदा पानी आता है। कचरा भी आप देख सकते हैं रोडों पे कितना ढेरों से पड़ा हुआ है। यहाँ पर देश का सबसे स्वच्छ शहर होने के बाद इसकी हालत देखो आप, हर जगह गड्ढे खुदे हुए, हर जगह गंदा पानी है, मच्छरों की तादाद ज़्यादा हो रही है। जब उनको वोट लेना देता ना, तब है ना, जब लाला पोछा करते ऐसा हाथ जोड़ते, भाई हमारे को देखो, भाई हमारे को देखो, भाई तुम ही हो, देव मतलब किसी को है? अगर पानी आता है तो 15-20 मिनट आता है, वो भी बिल्कुल पीला पीला पानी, व्यक्ति पी भी नहीं पाता, और बहुत ही ज़्यादा बदबूला पानी आता है, बहुत ही गंदा पानी आता है। ना टैंकर आते हैं, पर नहाने धोने को पानी नहीं मिल रहा है। आज हम बात करेंगे इंदौर के विधानसभा क्षेत्र 5 की। सबसे पहले हम जानेंगे बीजेपी से कि उनके पास क्या मुद्दे हैं, वो किन मुद्दों के साथ इस चुनाव में जाने वाले हैं। उसके बाद कांग्रेस से भी बात करेंगे और आम आदमी पार्टी के लोग हैं उनसे भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं बीजेपी के पास। पिछले 20 साल का इतिहास देखें अपन तो 20 साल के अंदर बाबा के नेतृत्व के अंदर आज कई फ्लाईओवर ब्रिज बने हमारे यहाँ, चाहे अभी मूसाखेड़ी का मंजूर हुआ हो, खजराना का मंजूर हुआ, पिपलियाना अभी बना चुके हम, और अपना बंगाली वाला बना चुके, जहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था कितनी गड़बड़ाई हुई थी, आज ये ब्रिज बनने के कारण आज वहाँ कितनी सुविधा हो गई, आप इसके साक्षी हैं। और साथ में भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि जितने भी योजनाओं के माध्यम से समाज का भला हो सके, चाहे लाली लक्ष्मी योजना हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, इनके माध्यम से समाज का भला करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछले 20 साल पहले अगर हम जाएं तो गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, ये आपको पता है दिग्विजय सिंह शासन के अंदर, और आज सड़कें कितनी बेहतर इस मध्य प्रदेश की पता ही नहीं चलता। जब हम गुजरात से आते हैं तो पहले पता चलता था कि मध्य प्रदेश में आ गए, पर आज पता ही नहीं चलता कि हम मध्य प्रदेश में आ गए। इनके पास तो कोई मुद्दे नहीं, बोले सारे समस्याएं सॉल्व हो गई, 5 नंबर में तो बहुत आगे हो गया, विकास हो गया। देखिए 5 नंबर विधानसभा जो मैं समझता हूँ सबसे विकसित क्षेत्र पूर्वी विधान क्षेत्र इंदौर की, जो सबसे ज्यादा राजस्व देता है प्रदेश सरकार को, क्योंकि सबसे बड़ा होटल मॉल शॉपिंग मॉल और अस्पताल और कई चीजें ऐसी है जो बड़ा राजस्व प्रदान करती है। लेकिन होता है एक घंटे की बारिश में अमूमन पूरा विधानसभा क्षेत्र, शहर की तो बात ही नहीं कर रहा, विधानसभा क्षेत्र तालाब में तब्दील हो जाता है, लगभग 2-2 फीट पानी चौराहों पर भर जाता है। और अनियोजित बना हुआ BRTS जो शाम को वाहनों की गुत्थम गुत्था आप देख सकते, रेल पेल होती है, कुछ चंद बसों के लिए जो BRTS बनाया गया, शाम को पलासिया चौराहे से मगर विजयनगर तक जाते हैं तो कम से कम एक घंटा लग जाता है वाहन, इस तरह की ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ पर गड़बड़ाई हुई है। और सबसे बड़ी बात है ये आज अपनी पीठ थपथपा पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा सोसाइटियों की जो खेल हुए हैं, बाजीगर जो जमीन के आए हैं, जादूगर आए, सबसे ज़्यादा 5 नंबर विधानसभा में, कई सोसाइटियाँ उठा लें तो देख लें, सबसे ज़्यादा जमीन के जादूगर उन्हें सबसे ज्यादा खेल इसी विधानसभा में किए। बस्तियों में गंदा पानी आ रहा है, पूरे क्षेत्र में टैंकर लगा दिए इन्हें, 5-10 साल पहले जो टैंकर चलते थे अब हर क्षेत्र में टैंकर चल रहे हैं, पानी तो आ ही नहीं रहा, गंदा पानी की इतनी समस्या हो गई है सब वार्डों में, आप देख लीजिए, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़कर पानी आ रहा है, पानी के नाम पर बदबूदार, एक तरीके से जिस तरीके से हाथ में नहीं ले सकते उस तरीके का पानी आ रहा है नलों में। मैं भाजपा के की करनी और कथनी में फर्क बताना चाहता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री रहे महेंद्र हाड़िया, 5 नंबर का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 बार के विधायक हैं, और
मंत्री रहते हुए स्वास्थ्य आज 5 नंबर में कौन सा अस्पताल बनाया बता दें। शिक्षा के लिए कौन सा कॉलेज स्कूल बनाया बता दें। आज 3.5 साल पहले कमलनाथ जी MR9 बना रहे थे, आज तक रुका हुआ है, कोई विकास नहीं, कोई नहीं। अल्पसंख्यक बस्तियों की सड़कें, गंदा पानी और ड्रेनेज की समस्या यूं की क्यों बनी हुई है? देखिए, गंदे पानी की जैसे ही शिकायतें आती हैं हम तत्काल उसे दुरुस्त करवाते हैं। ये जो बता रहे हैं अभी के महेंद्र आड़िया जी ने क्या किया, महेंद्र आड़िया जी एकमात्र ऐसे विधायक है 230 विधायकों में कि जिन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं के अंदर प्रदेश भर में प्रथम स्थान पाया। और महेंद्र आड़िया जी ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हर गरीब के परिवार पर जाकर उसके इलाज के लिए 1 लाख हो, 1.25 लाख हो, 1.5 लाख हो, 75,000 हो, उन जैसा विधायक मिला असंभव है। जो हमारे मित्र बोल रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, एकमात्र खजराना क्षेत्र ऐसा है जहां जितने मतदाताओं के वोट नहीं मिले उससे ज्यादा लोगों के ऑपरेशन कराए उन्होंने, उससे ज्यादा लोगों का इलाज कराया उसने। उस व्यक्ति के लिए तो जो भी ये खड़े हुए ये बहुत बोने हैं। लाडली बहना योजना आई है, नारी सम्मान योजना कांग्रेस ला रही है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? जय हिंद। कहा जाए अगर हम विधानसभा 43 में इस समय खड़े हैं, वार्ड नंबर 43 विधानसभा 5 में खड़े हैं, तो इनके पार्षद कहाँ है? वो पार्षद ही शून्य है। तो आप लाडली लक्ष्मी बहना योजना और लाडली बहन योजना पे क्या बात करेंगे, जबकि यहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि है, स्वयं पार्षद ही यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो ये क्या महिलाओं का सम्मान करेंगे? महिलाओं का हर जगह उपेक्षा होती है। मध्य प्रदेश NCRB की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया है महिलाओं के लिए बलात्कार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किए जाते हैं, जहाँ हर 3 घंटे में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उस पर इनकी कोई एक्शन नहीं है। FIR अगर हमारे घर से हम दर्ज करवाने जाते हैं तो पुलिसों के हमको तलवे चाटने पड़ जाते हैं, पर आम जन सहयोग का इनका सहयोग नहीं मिलता है। तो ऐसी सरकार कहां से अपने आप को विकसित मानती है? मैं तो कहती हूं ये यहां का आप देखिए, हमारे एक बगीचे का यहां पर झूला नहीं उड़ा और इनका महाकाल लोक उड़ गया है, और कितना भ्रष्टाचार करेंगे आप? टुकड़ों के दाम पर लगातार उठा के पब और बार के लाइसेंस बांट दिए गए, दो दो बजे रात तक पब खुले रहते हैं। आदर्श रोड है, तमाम देश भर के सांसद देखने आए थे, टिफिन पार्टी हुई थी, आज उसकी हालत तो बड़ी खराब हो रही है। आज 5 नंबर के विकास की बात करिए आपने, तो आदर्श रोड तो आदर्श ही है। आदर्श रोड के ऊपर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया, जो आप इनको बता दें, जो हॉस्पिटल नहीं बोला, मांगेलाल चोरिया पूरा रहता है इंदौर के अंदर। अगर 100 कॉलोनियां वेद हुई है तो महेंद्र आड़िया ने 27 कॉलोनी को वेद कराया। इंदौर में 27 पानी की टंकी हुई है तो उसमें 9 पानी की टंकी महेंद्र आड़िया लाए। एक भी समाज ऐसा बताए जिसकी धर्मशाला महेंद्र आड़िया ने नहीं बनाई हो, एक भी रोड ऐसी बताए जो कि चलने लायक नहीं हो। इस प्रकार से महेंद्र आड़िया के कार्यकाल के अंदर जो ये 20 साल में विकास हुए, उन्हें आज इस गार्डन में आप खड़ा हुआ हो ये भी आप देख लो कि यहाँ पे विनय बागलीवाल और सुशीला रानी मित्तल थी, और आज क्या अच्छा आप बताइए, क्या सच में विकास हुआ है? क्योंकि आप यहाँ पे रहती है 5 नंबर में, क्या सोचती है आप? देखिए, विकास तो हुआ है, और आपको मैं बताना चाहती हूँ, हमारे विधायक महेंद्र आइडिया जी अगर कोई एम्बुलेंस को और फायर ब्रिगेड को फोन करे और महेंद्र आइडिया जी को फोन करे, तो महेंद्र आइडिया जी सबसे पहले सहज सरल रूप में व्यक्तियों की परेशानियों में उपस्थित होते हैं। और जैसे आदर्श सड़क की बात की जा रही थी, तो भारत में सुप्रसिद्ध शिक्षा की दीवार वहां पे रखी गई है, और जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त है वहां पे सैकड़ों बच्चों को कॉपी किताबें निःशुल्क उपलब्ध करा के शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। धन्यवाद। अच्छा, आदर्श रोड पे लाइब्रेरी बढ़िया चल रही है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बेरोजगार ये इन्होंने जितनी भी योजनाएं दी, लाडली लक्ष्मी योजना हो या जो भी अभी लाडली बहना, उस पर सिर्फ और सिर्फ नारी सम्मान योजना कमलनाथ की भारी है। 7 करोड़ में रोड बनी, 700 मीटर की सड़क 7 करोड़ में बनी और आज बदहाल हो गई। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि विधानसभा 5 में आप देख रहे हो पंचम की फेल हो रही है, सब बस्तियां हैं। आज जब से महेंद्र आड़िया यहां पर विधायक है तब से विकास के नाम पे सिर्फ धोखा हो रहा है, घोटाले हो रहे। अभी इनके एक पार्षद और MIC रहे सूरज केरो को भी सजा हुई है, इसीलिए सूरज केरो जी को भी सजा हुई है। अभी मेघदूत घोटाले में सूरज केरो जी को सजा हुई है। अभी
एक मिनट, यहाँ पर इनके मुख्यमंत्री यहाँ पर वेदों को अवैध करने में कॉलोनी नाइजर से लाखों करोड़ रुपए का खेल करते हैं। यहाँ के विधायक में इतनी भी वो नहीं है कि सालों से पट्टे में रह रहे पंचम की फेल, भूमा की फेल, भट्टे की फेल के लोगों के लिए आवाज उठा सके, इनको वेद क्यों नहीं करते? प्राइवेट कॉलोनी नाइजर को वेद करा जाता है। भूमाफिया को देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं भूमाफिया को संरक्षण। देखिए इनको इनको ये जानकारी का अभाव है। गोमा की फेल, पंचम की फेल, इस तरह की सभी बस्तियों को हमने वेद करने का पत्र लगा दिया, इनकी जानकारी में नहीं है। हम सभी ये कांग्रेस के बंधुओं से निवेदन है कि जब हमने पारदर्शिता से काम किया कि कोई भी कॉलोनी वेद करी तो जितनी कॉलोनी इधर के क्षेत्र में होती ऊपर भी कराइए, हमने कोई भेदभाव नहीं किया उसके अंदर। आज आप देखेंगे खजराना की कई कॉलोनी है, चाहे मुस्लिम कॉलोनी, पर हमने भेदभाव का काम नहीं किया। हमने वो भी वेद कराई है जो भी अगर जो उसके अंदर क्राइड एरिया के अंदर आएगी उसको वेद कराने का काम महेंद्र हाड़िया जी ने करवाया है। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगार घूम रहा है, कितनी आत्महत्याएं हो रही। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, और स्कूल के नाम पे भाजपा ने कई स्कूल बंद कर रहे हैं, बैठे नहीं की तक की व्यवस्था नहीं है, और खुली लूट हो रही है। और दूसरा ये प्राइवेट स्कूलों को परमिशन मिल रही, प्राइवेट स्कूलों के ज्यादा फीस दे दी जा रही है, और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और नर्मदा के नाम बताइए खजराना गणेश मंदिर है, वहाँ पे 500 रुपए दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए अपने अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहने वाली भारतीय जनता पार्टी जजिया घर के रूप में गर्भ में दर्शन गर्भ में दर्शन तो बंद ही है, वो सिर्फ भाजपा के नेताओं के लिए सुरक्षित है। गर्भगृह में जो वर्षों से हम दर्शन करते थे वो गर्भगृह में दर्शन बंद कर दिए, और सभागृह से भी 500 रुपए की रसीद कटवाई जा रही है। परिवारों में जाके हमने लाडली बहना के प्रमाण पत्र बांटे, ये विपक्ष के जितने लीडर थे इनके सब परिवारों को हमने लाडली बहना के पत्र बांटे, इनके फोटो है। हमारी बीजेपी वालों ने जितने भी स्कूल बनाए वो सब आरएसएस का अड्डा हो गया है, सब स्कूल बंद है, सब स्कूल आरएसएस का अड्डा हो गया है, गंदे पानी से चुप भाई। सरासर झूठ बोल रहे हैं कि गर्भ में जाने का पैसा लगता है। आज ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि वहाँ मंदिर में जाने का पैसा लगता है। वहाँ कोई भी व्यक्ति जाके गर्भगृह में जाना सबका प्रतिबंधित है, कोई भी अंदर नहीं जाता है। ये कलेक्टर की अगर कोई विशेष अगर कोई आएगा तो वही जा पाएगा, वरना कोई भी नहीं जा पाता। युवाओं को रोजगार मिलना है। बिल्कुल, युवाओं को बहुत रोजगार मिला है। हमारे मोदी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, और हमारे मध्य प्रदेश राज्य सरकार में हर युवाओं को रोजगार मिला है। देखिए ये तो कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी जो बोल रही है कि हमने बहनों के लिए इतना कुछ करा, जीजाजियों को नशे की आदत डलाकर यहाँ 5 नंबर विधानसभा में देख लो, चारों तरफ कलाली है, पूरे इंदौर को नशे की दुकान पबों में और इन सब में डाल दिया है। बहनों का जीवन खराब करने वाली ये पार्टी, नशे के कारोबार में करने वाली। रोजगार मिल रहा है तो कह रहे बीजेपी। नहीं सर, देखिए हम रोजगार की बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं। विकास के नाम पर सिर्फ शराब बिक रही है और विकास के भ्रष्टाचार में विकास हुआ है, बाकी विकास के नाम पे अभी भी इनका पैदा नहीं हुआ। ये सब देखी हुई ये सिर्फ झूठी बातें हैं। सिर्फ विकास दारू बेचने में विकास हुआ है इनका, और जमीन पे लड़कियों के साथ में बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। खजराना में सड़कें बन गई क्या? खजराने में कमलनाथ जी जब सरकार में आए 100 बेड का, उन्होंने पहली कैबिनेट में तुलसी सिलावट के साथ पहली कैबिनेट में फाइल 100 बेड की साइन करी, सरकार गिर गई। आज तक 3.5 साल में शिवराज सरकार ने
महेंद्र हड्डिया ने उस अस्पताल की कोई फिक्र नहीं करी, उसको नहीं बनाया। बीजेपी से जान लेते हैं, हर वार्ड में अस्पताल की बात खुलने की हुई है, महेंद्र हड्डिया भी कह रहे हैं खुल पाएंगे हर वार्ड में अस्पताल। हर वार्ड में कार्य शुरू हो गया, खुले पाएंगे नहीं, काम चालू हो गया और हर वार्ड में हमारा संजीवनी क्लिनिक खुलेगा। हमारी सरकार वादा नहीं करती, काम करके दिखाती है। हवाई जहाज में अगर यात्रा कराइए तो भारतीय जनता पार्टी ने कराइए, परिवार वालों को यात्रा कराइए। जो ये चिल्ला रहे हैं खड़े होकर, इनके परिवार के लोगों को हवाई जहाज में शिवराज जी ने भेजा है। इनके घर पे लाडली बहना योजना के प्रमाण पत्र शिवराज सरकार ने वितरित किए हैं। जितने भी चिल्ला रहे हैं खड़े होकर, एक एक ने 1000 रुपए का फॉर्म भरा है, इनके घर से भरा है। और ये झूठी योजना नारी सम्मान योजना, बिना सरकार के कहां से 1500 देंगे? हर झूठे लॉलीपॉप, कमलनाथ ने 2 लाख रुपए का वादा किया था, किसानों को कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं को क्या जो वादे किए गए थे पूरे हुए क्या? सबसे पहले तो मैं यह देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या सत्यनारायण पटेल के भेजे हुए लोग हैं? जिस तरह आप युवाओं की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ऐसी कई अनन्य योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए चालू की है। आज ये खजराना की बात कर रहे हैं, खजराना की बस्तियों के अंदर सबसे ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लोग हैं। जिस खजराना गणेश मंदिर की ये बात कर रहे हैं, आज मध्य प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक मंदिर खजराना गणेश मंदिर है। समय आ गया और हम ये विकास की बात कर रहे हैं, क्या 5 नंबर नाला टेपिंग कंप्लीट हो गई? चलो महेंद्र बाबा को कहते आओ 5 नंबर में, सारे नाले का पानी सड़कों पर है, कैसे विकास हो गया? बाबा झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। भ्रष्टाचारियों की, ये इनकी विकास यात्रा।